नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस की शर्मसार कहने वाली घटना। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नरई थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में दबंग प्रधान पद प्रत्याशी ने अपने बाहुबलियों के साथ चुनावी रंजिश को लेकर गांव के दूसरे प्रधान पद प्रत्याशी के घर न केवल धावा बोला बल्कि पूरे परिवार को मारा पीटा लहूलुहान कर दिया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस का आरोप है कि पुलिस आई और अपनी गाड़ी से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया और कचरा भूसा ढोने वाली गाड़ी पर जबरदस्ती लादकर भेज दिया। बहरहाल इस मामले में 6 लोग उपचार कराकर घर आ गए हैं, वहीं एक गंभीर रूप से घायल को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि प्रधान पद के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ आए और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है। श्री शंकर प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर, ग्राम सलेमपुर। कौन सा थाना है? थाना ना रहे हैं। क्या किसी की घटना घटी है? हम लोग का घटना ये है कि हम लोग सामान्य क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग का आदमी है, हम लोग उठा था, इसी को लेकर वो लोग आया था। कौन लोग आए थे? भीम सिंह, सरिता सिंह, उनकी माता का नाम सरिता सिंह है, और उनका 3 भाई है, जय प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, और आदमी को अपना पार्टी का पूरा 15 आदमी को लेकर आई थी वो। कौन लेकर आए थे? सरिता सिंह और जय प्रकाश सिंह। सरिता सिंह कौन है? सरिता सिंह ज्ञान प्रकाश का माता है, दबंग ठाकुर है गांव के। तो आपके घर पर हमला बोले हैं? हाँ, हम लोग सो रहे थे तो लोग आए, वो बोले कि क्यों गाली दिया, हम लोग बोला गाली नहीं दिया। उसके बाद वो लोग जिसको बोले रहे थे गाली देने के लिए, वो आदमी ऑलरेडी कबूल कर चुका था कि ये लोग गाली नहीं दिया, ठीक। फिर वो लोग कुछ नहीं किया, हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया, घर में घुस घुस कर औरतों लोग को सबको मारा, 5 औरतों को मारा, एक हमारा चाचा है उनको बहुत सीरियसली मार दिया, अभी तक एडमिट है, 24 घंटा हो गया, अभी तक नरही थाना से रेफर कर दिया गया था हॉस्पिटल से। जी, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस एसओ साहब आए थे, खुद को वहाँ पर आए थे, और कुछ नहीं, हम लोग अपने गाड़ी में बैठाए, एम्बुलेंस भी नहीं बुलाया, अपने गाड़ी में बैठाए और नरही थाने नरही हॉस्पिटल में लेकर आए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, 4 टाका हुआ, 7 टाका मेरा भी लगा है और माता लोग को लगा, और कुछ नहीं, दवा हुआ कुछ नहीं मिला, बस उसके बाद बैंडेज कर घर भेज दिया गया डंफर में लाद कर हम लोग को। डंफर में लाद दिया? हाँ, डंफर में कचरा वाला डंफर जो आता है ना, जो भैंस उसके लिए लेकर जाता है सामान वामान, उस डंफर में हम लोग को लोड करके भेज दिया गया। जी, हम ये जानना चाहते हैं क्या वो आप लोग जो हमला किए उन लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं? नहीं हुए हैं, वो लोग बहुत पावरफुल आदमी हैं, वो लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा, हम लोग पिछड़ी जात के गरीब आदमी हैं, हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है कहीं भी। सर, मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, एसओ साहब हम लोग खुद ऐसे कोई हम लोग का साथ में नहीं आया था, जितना व्यक्ति था सब घायल था, वो एसओ साहब कैसे क्या किए पता नहीं, फिर हम लोग को कचरे का गाड़ी वाला में बैठाया, वो घर पर भेज दिया, वो पेपर लिखा पड़ी जो हुआ था थाने में वो हम लोग के पास नहीं मिला। आपने थाने में तो रह दिया आपने? नहीं, वो थाने में लेकर गए ही नहीं थे। कितने बजे घटना है, कब की घटना है? 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में ये घटना हुआ होगा। किस तारीख को? कल का है, डेट का है, 27 तारीख को। तो मौके पर पुलिस आई थी जब मारपीट हुई? नहीं, मौके पर नहीं आई, पुलिस बाद में आई, सब बाद में आई, और हम लोग को लोड कर अपने अपने गाड़ी में, एम्बुलेंस भी नहीं बुलाया, अपने गाड़ी में बैठा कर डायरेक्ट लेकर चला गया, वहाँ ले गया, पट्टी बनवाया, फिर डायरेक्ट इधर भेज दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया वो लोग। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर।